दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9 कल तक जो हमने जानकारी आपको दी थी उस हिसाब से 288 पेशेंट हमारे पास पॉजिटिव की रिपोर्ट थी और आज हमारे पास में 313 मरीजों की पॉजिटिव रिपोर्ट है इसका मतलब कुल 25 नए मरीज हमारे पास में आए हैं 25 नए मरीजों का जो अगर बाइफर्केशन करें तो उसमें 8 मरीज तो हमारे जो हैं वो क्वारंटीन सेंटर के हैं जिसमें 5 लॉ कॉलेज के और 7 मरीज क्वारंटीन सेंटर के हैं 8 मरीज हमारे पास में ऑलरेडी भर्ती थे जो कि कॉन्टैक्ट्स हैं ऑलरेडी प्रीवियस पॉजिटिव पेशेंट्स के और इसके अलहदा 2 पेशेंट जो हैं वो रैंडम सैम्पलिंग के हैं और 4 पेशेंट हमारे पास जो गर्भवती महिला हैं जो कि राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार हर गर्भवती महिला का टेस्ट होना चाहिए उसमें पॉजिटिव आई हैं सारे मरीजों की जो है ट्रेसिंग हमारे पास में है एक्सेप्ट कि 2 जो रैंडम सैम्पलिंग वाले मरीज हैं वो भी जस्ट भर्ती हुए हैं तो उनकी भी ट्रेसिंग हम कर लेते हैं तो उससे ये पता लग जाएगा कि कोई कम्युनिटी स्प्रेड की खतरा अब है या नहीं है अब तक कितने स्वस्थ हो चुके हैं हाँ काफ़ी संख्या में स्वस्थ हो चुके हैं अगर हम वैसे इनको सबको 25 मरीजों को जोड़ लेते हैं तो जो हमारे पास में एक्टिव केस हैं वो 66 हैं तो 66 में से अगर आप जैसे 313 में 66 तो ये घटा दीजिए और 5 जो हमारे जिनको हमने मरीजों को खोया है वो घटा दीजिए तो बाकी मरीज हमारे सब स्वस्थ होकर घर गए ये वैशाली नगर में गांधी नगर कॉलोनी है जिसके अंदर एक रेणु नाम की महिला है जो आज पॉजिटिव डिटेक्ट हुई है तो इस कारण से हमने इस पूरी कॉलोनी को एक तरह से पूरा बंद किया है बल्लियां लगा के इसको इसमें हमने लोगों का आना जाना रोका है नहीं नहीं अभी मेडिकल टीम अब आएगी और फैमिली वालों के जो कॉलोनी में से भी रैंडम सैंपलिंग की जाएगी इनका तो ये ना भैया अब प्रेगनेंट जो महिला उसका कोविड-19 जो पेशेंट अब दोबारा निमोनिया पड़ गया तो दोबारा टेस्ट किया पॉजिटिव आ गया तो जैसे उन्होंने टेस्ट जब किया तो